भाई साहब, ये मम्मी लोग लेके आ गए हैं फाइनली। इधर देख सकते हैं, इधर मम्मी है, प्रिंस है। देखा, देखी है बेटा, ऐसे कौन मस्त है, तुमसे मिलने आया है। पहचान लिया ना, तुमने दीदी आई। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अभी है शाम का टाइम और आप लोगों को बता दें गाइस कि आज अभी मम्मी पापा आ रहे हैं हमारे घर, मतलब यहाँ रांची हमारे रूम पे। वो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कभी आए नहीं है, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो वही फ़ोन किए थे मम्मी, तो बोले कि हम लोग आ रहे हैं, सोचे मिल लेंगे तुम लोग से। तो हम लोग बोले हाँ, बहुत दिन हो गया है और कभी आए भी नहीं है मम्मी लोग, तो आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो बोले ठीक है, आ जाओ। तो अभी जा रहे हैं, मनीषा इधर काम कर रही है, बर्तन वगैरह धो रही है, इधर देख सकते हैं, इधर वो काम उम कर रही है। और अभी हम जाते हैं बाहर से, कुछ सोच रहे ले आते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो भाई कुछ सोचे अच्छा ही बनाया जाए घर पे। तो अभी जाते हैं फटाफट, सामान में ले आते हैं जो जो लाना है। तो मम्मी आ रही है, क्या बनाना है घर पे, क्या लिया है? ऐसे तो लोग नॉर्मल वगैरह तो कुछ खाते नहीं है, भैंस खाते हैं, तो स्पेशली उनके लिए क्या पनीर उनीर ले गई है डिनर उनर करने के लिए। उनको पानी उनर समझे क्या बन गया सब। ठीक है, जाते ले आते। और तुम क्या पहनेगी? अच्छा से रेडी वेडी हो जा। ऐसे बोल रहे जैसा तो हम दोनों कभी मिले ही नहीं है यार, रेडी वेडी हो के रहो। तो घर में ऐसे वैसे है, अच्छा से रेडी। घर में तो इंसान सर सवर के थोड़ी रहता है। हाँ, ये बोलो कि हाँ मैं साफ हूँ, वो बार बोलो ये से बोल रहा यार, हद नहीं है, लेकिन ये का बुरा ही है जो है। अभी घर आ गए और इधर ये भी रेडी वेडी हो रही है मनीषा। अरे हम कहीं जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे, बस ऐसे ही ड्रेस चेंज कर रहे हैं, अभी गंदा हो गया। हां, ये रेडी हो गया। और इधर बाबू को भी दे दिए खाने के लिए, ताकि शांति बनाए रखे। फाल दो बोल, देख सकते इधर हमारा आटा पनीर दूध ये सब अभी लेके आए हैं। गाइस देख सकते हैं, इधर अभी आटा सान रहे मनीषा। पापा आटा ही खाता है। हां, और इधर अभी पनीर भी, इधर पनीर भी हमारा अभी मेरा हो गया है तेल गरम। मैं इसमें थोड़ा सा दे रही हूँ जीरा, उसके बाद ये मैंने प्याज और ये लहसुन और हरी मिर्च कुछ है, तो इसको अभी मैं इसको क्या करूंगी, इसमें थोड़ा सा फ्राई करूंगी। ठीक है, उसके बाद इसको निकाल के मिक्सी में फिर पीसना है, तो इसलिए मैं इतना बड़ा बड़ा कट किया हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इतना बड़ा बड़ा कौन डालता है करके। तो इसको भी मैं थोड़ा सा भूंजती हूँ, अच्छा तो पक जाएगा। थोड़ा ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा थोड़ा पकाना है। उसके बाद इसको ठंडा करके मिक्सी में फिर पीसना है। सबसे पहले हमें सोयाबीन में फिर यहाँ पर थोड़ा नमक दे देंगे, मसाला में ही नमक डालना चाहिए तब अच्छा होगा। नमक हो गया, थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला, ये भी अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा सब्जी वाला मसाला, उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे अभी रेड चिली। अभी अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे चीज़ों को एक साथ। अब इसको थोड़ा देर के लिए, 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 से 1 मिनट के लिए पकने के लिए इसको ढक देंगे इसमें ढककर। सो इस ऑलमोस्ट अभी मैंने जो फ्राई किया था ऑनियन सबको, तो मैंने यहाँ पे मिक्सी में यहाँ पे डाल दिया है। देखिए अब कुछ देर के बाद यहाँ पे मिक्सी चला के इसको मतलब अच्छा से ग्राइंड कर लेंगे, तो थोड़ा सा ठंड होने के लिए मैंने अभी छोड़ दिया, क्योंकि अभी गर्म है और गर्म गर्म अगर मिक्सी में हम लोग अगर करेंगे तो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है, तो मैं इसलिए नहीं करती। और साथ ही में उसी कढ़ाई पे अभी देखिए पनीर को बिल्कुल फ्राई करना है, मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा तेल डाल के अच्छा से फ्राई हो रहा है। मैंने सोचा क्यों दूसरा वाला कढ़ाई यूज़ करना है, बनना भी तो इसी से है, तो मैंने सोचा इसी को यूज़ कर लेती हूँ। क्या हुआ, पानी लेके आ रहे हो?
बाबू क्या किया था ना, पानी में पूरा डाल के एक खराब कर दिया था ना पानी में बिस्किट डाल दिया था अगरबत्ती। हाँ तो इसलिए मैं बोलू गोलू को बोली कि दूसरा वाला पानी लेके आ जाइए, क्योंकि पानी में वो पूरा जार वाला पानी में भर दिया था गंदा का, तो उसको धोए फिर अभी दूसरा वाला पानी लेके आए। ढक्कन का, ढक्कन मुझे नहीं पता मिक्सी का ढक्कन, यहाँ पे ये लीजिए आराम से। फिर बाबू अगर रोएगा फिर मिक्सी का आवाज सुन के, पता है ना बहुत डरता है वो। आराम से दरवाजा कहीं बंद कर लो ना, उसके बाद कर दो। बच्चा बहुत डरता है जब भी मिक्सी का आवाज सुनता है ना, तो बहुत रोने लगता है मेरे जैसे, मैं भी बहुत डर पो हूँ। डर लग रहा है बहुत ज्यादा वाला। हाँ हाँ पापा को पीटे क्या? बंद हो गया, और नहीं चलेगा, और मिक्सी नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा, बंद हो गया। मैं बोला था ना ये रोएगा करके। क्यों चला रहे हो मिक्सी, मत चलाया करो, मेरे को बहुत डर है। देखिए मैं आप लोग को भी दिखाने जा रही हूँ गोलू जो मिक्सी में पीस किया मसाला वो कैसा है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा देख सकते हैं, ये रहा मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसको अब सारा को निकाल लेते हैं पहले प्लेट में, ठीक है? हम थोड़ा सा गर्म है क्योंकि गर्म गर्म में गोलू पीस दिया, बोला कि हम पीस देते हैं तो लाइन उन कट जाएगा, तो ऐसा तो बोला ठीक है, इमरजेंसी में कभी हो भी जाता है अचानक लाइन उन भी कट जाता है ना, तो बोला ठीक है कर दो। मेरा पनीर भी बस ऑलमोस्ट हो ही गया है, एक बार फ्राई वाला मैं निकाल चुकी हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे तेल थोड़ा सा दे के थोड़ा सा गिरा देती हूँ, ये मसाला था ये मसाला को मैं भी डाल दिया हूँ। तो गाइस अभी हमारा मसाला भी एकदम मस्त बन गया है, अच्छा खुशबू आ रहा है, पनीर डाल देते हैं इसमें। देखिए हमने ऐसे मसाला बनाया फ्राई करके, तो देखिए ग्रेवी कितना अच्छा बना हुआ है, एकदम बहुत देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्रेवी बना हुआ है। तो ऐसे बनाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, और जितना भी मसाला वसाला जितना भी कुछ कुछ होता है ना, थोड़ा सा मसाला मसाला स्मेल होता है, ऐसा नहीं होता, बहुत टेस्टी लगता है। आइए वो कुछ टेस्टी बनाओ, अच्छा तो बनाएंगे जैसे तो लग रहा है, अब टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा खोलने के लिए, ज़्यादा नहीं 5 मिनट, ये तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, फ्राई भी हो चुका है, मसाला भी ऑलमोस्ट हो चुका है, बस 5 मिनट इसको पानी डाल के थोड़ा सा खोलाते हैं। मेरा काम तो ऑलमोस्ट हो चुका है, अब थोड़ा बाकी कोई काम था वो गोलू कर रहा है, हम देख सकते हैं। बोला कि अभी हम थोड़ा सा कर देते हैं, बोले ठीक है कर दो, बोले ठीक कोई बात नहीं। तो बोला कि दो छोड़ो बर्तन था तो प्लेट था, बोला हम धो देते, बोला रहने दो मैं धो देते, बोला तो कोई बात नहीं धो दो करके। हाँ बाबू बच्चा मेरा क्या कर रहा है देखो, अरे 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 कहाँ भाग रहा है? गाइस अभी इधर मनीषा चाय वगैरह निकाल दे रही है, देख सकते हैं। सो गाइस अभी मम्मी लोग आ गई है खाने के पास, तो अभी जा रहे हैं उनको लेने के लिए, ठीक है? मम्मी लोग लेके आ गए हैं फाइनली, इधर देख सकते हैं, इधर मम्मी है, प्रिंस है। मेरा तो बड़ी काला काला दिख रहा है, देखा है। मम्मी को खाना वगैरह सब दे दिया, मम्मी खाना वगैरह सब खा लिए हैं लोग, और अभी निकलेंगे इधर, मम्मी लोग देख सकते हैं। तो अभी जाते हैं नीचे, वो जगह नीचे छोड़ उड़ के आते हैं मम्मी सबको। महारानी जूता पहन लो, रे जाओ सिवनिया, रे जाओ, रह गया, रह गया, ये बस रह गई मम्मी पर। मैं गोलू मामा के घर में नहीं रहना है, ये अभी का है, बहुत सारा खेलना है बाबू के साथ खेलना, रे जाओ। नहीं सभी हम भी नीचे जा रहे हैं मम्मी लोग को छोड़ने के लिए, आराम से धीरे 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 गिर जाएगी, पकड़ लिए अपने। हाँ बाबू खुद से ऊपर चढ़ते हैं, खुद से ऊपर नीचे, ऐसे कबूर कबूर करके मतलब चार पर हाथ से ऐसे करके खुद से, इधर इधर मेन गेट है, भूल गई एक बार में कहा से याद रहेगा।
इसी की वजह से यहाँ तो जा बाय कर दो दादी को, बाय कर दो, खाली पैसा पकड़ लिया है, बाय बाय करो, बाय बोलो, रे जाइए दादी, कल जाइएगा बोल दो, बस बाय, नोच रहा है, नोच रहा है, जाओ जाना है दादी घर, नहीं इसे देख रहा है, है ना, ये आगे नहीं बैठती है क्या, स्कूटी है ना, कैसे बाय शिवलिया, बाय बाय बाय, यही बोला बाय। तो गाइस अभी जस्ट मम्मी और मौसी के बेटे यानी कि देवर आए थे और दीदी का बेटी आई हुई थी, तो तीनों अभी निकल गए, बोली कि पापा वहीं पे है, मामू लोग का घर पे ही नहीं, हाँ मौसी लोग का घर पे ही, तो वहीं पे है, तो बोले चले जाएंगे करके, तो हम लोग भी नहीं बोले कि रह जाइए करके, तो चले गए शायद आज या कल जाएंगे गोलू घर, अभी निकलेंगे, अभी निकलेंगे, तो सोच सकते हैं अभी फिर रामगढ़ जाएंगे, इतना दूर, बाप रे बाप, वो चाह भी कहा था कि हम बाइक में घूमे करके, बंद कर देते हैं दरवाजा, चलो चलना है कि नहीं, दादी पैसे दिया पकड़ के खुश है, सोच रहा है खरीद देगा मेरे लिए, उसको थोड़ी पता है, चलो बेटा चलो कल खरीद देंगे, ठीक आज तुम खा लिया है ना, कल ले खा लिया है, बाय 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 बाय, ये कर रहे, बाय 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 कर रही, फिर बाय बाय नहीं कर रहे, जल्दी आ जाओ, कौन पहले घर पहुंचेगा बेटा, जल्दी आ जल्दी आ, अरे जल्दी आ, यार तीन गलत चलते चलते इंसान का पसीना हालत हो गया था, हाँ हाँ मैं पहुंच गई पहले, अभी हम भी जाते हैं खाना वगैरह सारा खा लेते, अरे देखिए जैकेट छूट गया है, बताइए फोन करिए मम्मी को, वो ले लेंगे, अच्छा वो हाँ हाँ छूट गया, देखिए मेरा जैकेट छूट गया है, सोच रही रिल्स का जैकेट है, फोन उठाएगा मम्मी को, फोन कर मम्मी, फोन कर, गाड़ी में ऐसे लगता है। बच्चा का नाटक देखो शुरू हो गया, क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रहे हो, उठ जाओ बताओ, मैं फोन नहीं उठा रहा, आई थिंक अभी अभी जस्ट गाड़ी में है, गाड़ी से निकल गए, मतलब गाड़ी चला रहे, तो इसलिए शायद उनको फोन का आवाज भी आ रहा है कि नहीं, मम्मी को फोन कर रहे तो भी नहीं उठा रही है, और प्रिंस भी नहीं उठा रहा, आई थिंक वो लोग अभी बाइक पे गाड़ी पे है ना, तो इसलिए क्या हुआ पीटू, हो अरे जैकेट छूट गया प्रिंस तेरा, जैकेट जैकेट तेरा छूट गया है, अरे जैकेट रुको 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 जैकेट वो छूट गया ना, हम भाई बार बार फोन कर रहे हैं भाई, बोल रहे ये क्या हो, जल्दी आओ, हाँ हाँ प्रिंस, हाँ कहाँ पे है, हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे, रुको ठीक है, आ रहे गाइस, अभी गोलू छोड़ देने के लिए जा रहे, बोले कितना आएंगे कितना जाएंगे, तो बोले कि हम ही जाते हैं, दे दे के आते हैं, अभी फाइनली फोन उठाया ना, तो अभी जा रहे गोलू छोड़ने के लिए, बाबू भी लेके जाओगे, जाओ अभी थोड़ा सा घूम से घूम के आ जाओगे, दिन भर घर में रहता है, ठीक है, बाय अभी बाय बाय, बाय बाय जाने का, बाय 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 बाय, तो ये सभी हम भी जा रहे खाने के लिए, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ली हूँ पनीर का सब्जी और चार रोटी है, बट मैं इतना कभी खा नहीं पाती हूँ, तो मैं दो रोटी खा लूंगी ज्यादा से ज्यादा,
देख सकते हो अभी मैं फटाफट खाती हूँ गैस, भूख भी लग रहा है, थोड़ा सा खा लेते हैं। खाना मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। ओ बाप रे बाप, थोड़ा ज़्यादा ही खा ली। मैं ज़्यादा रोटी खाती नहीं हूँ एक्चुअली, मेरे को आदत नहीं रोटी खाने का, फिर भी मैंने 3 रोटी बहुत मुश्किल से खाया। ऑलमोस्ट मेरा पेट भर चुका है। अब गोलू गया है छोड़ने के लिए, वो भी ऑलमोस्ट अभी जस्ट आ गया है। कहाँ पे मिले? वो खाने के लिए चौक चल गया था। वो किधर से जा रहे हो? बाप रे बाप, चावल लेकिन बाकी बचा हुआ है गोलू थोड़ा सा। हाँ हम भी नहीं खा पाएंगे, तो हम अभी रोटी खा लिए तो चावल थोड़ा सा बचा हुआ है। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। तो गाइस चलिए ब्लॉग तो यही एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबसे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो ऐसी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं आए तो चैनल पर कर दीजिएगा।